वफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पंजाब असेंबली बचाओ मिशन। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात। अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकीन से रवाबित तेज करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में हसन मुर्तजा ने कहा कि परवेज इलाही ने हमसे बेवफाई की। पंजाब असेंबली की मुमकिन तहरील का मामला। MCL ने तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद रोक दिया। TTI अराकीन हलकों में तरक्याती काम बंद होने पर परेशान। शफकत महमूद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद रास, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और दीगर के हलके शामिल। रूडा का हर साल की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जाम प्लान। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बिराज बनाने का फैसला। रूडा 46 किलोमीटर के रोड फ्रंट पर 3 बिराज और झील तामीर करेगा। एक बिराज में 271 अरब लीटर पानी को जखीरा करने की सलाहियत होगी। बिराज और झील की तामीर से फिशिंग और सियाहत को फरोग दिया जाएगा। लेस्को के 3-फेज मीटर्स के डिजाइन में तब्दीली। खरीदारी का अमल तातुल का शिकार। कंपनी ने 3-फेज मीटर्स की खरीदारी पर इंस्पेक्शन कॉल मुस्तरद कर दी। टर्मिनल डिजाइन मियार के मुताबिक ना होने पर मीटर्स का स्टॉक लेने से इनकार। कंपनी के पास 3-फेज मीटर्स की शदीद किल्लत। वनवे के खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। अब चालान के साथ मुकदमा भी होगा। CTO ने वनवे की खिलाफ वर्जी खुदकुशी के मुताबिक करार दे दी। 5 दिसंबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई व्हीकल शहर में दाखिल नहीं होगा। बागों का शहर मुसलसल स्मोक के शिकंजे में। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से पहला नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 457 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 625, कोटकपत में 590 रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर अकमल जेब ने कहा कि स्मोग इंतहाई खतरनाक है। आखिरकार हुकूमत को आलूदगी के खिलाफ आगाही मुहिम का ख्याल आ ही गया। महकमे खजाना का आलूदगी से बचाव की मुहिम शुरू करने का फैसला। आगाही मुहिम के लिए 20 करोड़ जारी कर दिए गए। प्याज टमाटर और लहसुन फिर शूट कर गए। प्याज 250, टमाटर 240, लहसुन 420 रुपए फी किलो में फरोख। बलोचिस्तान सिंध, पंजाब में सैलाब से प्याज लहसुन टमाटर की फसलें तबाह हो चुकी। बैरून मुल्क से दरामद जारी, कीमतें कम ना हो सकी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल होगी या नहीं। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में ई वोटिंग पर बसित है। इलेक्शन कमीशन कल ई वोटिंग के बारे में अहम फैसला करेगा। कल वजीर बल्दियात चीफ सेक्रेटरी तलब। पांच थानों के तफ्तीशी अफसरान के 1548 चालानों की तफ्तीश नामुकम्मल। कई साल तक तफ्तीशी अफसरान चालान पेश नहीं कर रहे। सीनियर प्रोसिक्यूटर अब्बास कुरैशी ने CCPO को मरासला भिजवा दिया। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी का जिन्ना अस्पताल का दौरा। अस्पताल में सहूलियात को तसल्ली बख्श करा दे दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की खिदमात का एतराफ किया। कहा कि लिफ्ट ऑर्थो यूनिट 2 में कुछ मसाइल पर इंक्वायरी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग का नाकिस निजाम। रेलवे की ट्रेनों में मनशियात और ममनुआ अशिया की स्मगलिंग बढ़ गई। ट्रेनों में मनशियात और ममनुआ अशिया की स्मगलिंग में इजाफा। गैर मुल्की सिगरेट, गुटखा, कपड़ा और मनशियात स्मगलिंग जारी। दुकान की सिक्योरिटी ट्रैकिंग सर्विस नाकिस देने का मामला। होमलैंड सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर के खिलाफ डिग्री जारी। अदालत का दुकान के मालिक को 10 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। नाके सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से दुकान से 30 लाख का कपड़ा चोरी हुआ। गवर्नर से सदर लाहौर चैंबर काशिफ अनवर की जेर क्यादत वफ की मुलाकात। वफ में सीनियर नायब सदर चौधरी जफर महमूद शामिल। नायब सदर लाहौर चैंबर अदनान खालिद भट्ट समेत दीगर मेंबरान भी हमरा।
मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 का आगाज। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर आज मलिक ने इफ्तिताह किया। 1223 किसी भी मोबाइल नेटवर्क से डायल किया जा सकेगा। रैपिड रिस्पॉन्स बाइक स्क्वाड शिकायत का सदेबाप करेंगे। डीसी ऑफिस में खुली कचहरी, डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल सुने, रेवेन्यू, डोमिसाइल और दीगर मुतफरिक केसेस का जायजा लिया गया। मुतल्लिका अफसरान को मसाइल पूरी हल करने का की तलकीन। मुस्लिम लीग नून का एनए 127 बागबापुरा ऑफिस में इजलास। एमएनए अली परवेज मलिक ने मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बोले इमरान खान ने मौजूदा निजाम से अलग होने का फैसला किया। आगाज सदर और सेनेट से होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और रुकने सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान की याद सालगिरह। लीगी रहनुमाओं कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। डीआईजी फैसल राणा का भी आज यौम पैदाइश। वफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पंजाब असम्बली बचाओ मिशन। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शन पर गौर किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकीन से रवाबित तेज करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में हसन मुर्तजा ने कहा कि परवेज इलाही ने हमसे बेवफाई की। पंजाब असम्बली की मुमकिन तहरील का मामला। एमसीएल ने तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद रोक दिया। पीटीआई अरकीन हलकों में तरक्याती काम बंद होने पर परेशान। शफकत महमूद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद रास, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और दीगर के हल्के शामिल। रूडा का हर साल की सैलाबी सूरतेहाल से निपटने के लिए जाम प्लान। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बिराज बनाने का फैसला। रूडा 46 किलोमीटर के रोड फ्रंट पर 3 बिराज और झील तामीर करेगा। एक बिराज में 271 अरब लीटर पानी को जखीरा करने की सलाहियत होगी। बिराज और झील की तामीर से फिशिंग और सियाहत को फरोग दिया जाएगा। लेस्को के 3-फेज मीटर्स के डिजाइन में तब्दीली। खरीदारी का अमल तातुल का शिकार। कंपनी ने 3-फेज मीटर्स की खरीदारी पर इंस्पेक्शन कॉल मुस्तरद कर दी। टर्मिनल डिजाइन मियाद के मुताबिक ना होने पर मीटर्स का स्टॉक लेने से इनकार। कंपनी के पास 3-फेज मीटर्स की शदीद किल्लत। वन वे के खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। अब चालान के साथ मुकदमा भी होगा। सीटीओ ने वन वे के खिलाफ वर्जी खुदकुशी के मुताबिक करार दे दी। 5 दिसंबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई व्हीकल शहर में दाखिल नहीं होगा।